फ्रेंड्स, हमारी उम्मीद है मंजन। आज हम बात करेंगे 60 रुपये के एक छोटे स्टॉक के बारे में, जिसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ये कंपनी है केमिकल सेक्टर की, और इसका अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 7-8 रुपये के करीब ये स्टॉक चलता था। और कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे 2016-17 के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है और 100 रुपये के भी ऊपर गया। तो आप इजीली कैलकुलेट करिए, 10 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटर्न जो है 2014 से लेके 2017 में दिया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2018 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर आया और एकदम नीचे के लेवल पे एक बॉटम बनाकर अब फिर से है जो यह स्टॉक है ग्रो कर रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। और ये कंपनी है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। 42 का इसने 52 वीक लो बनाया और उसके बाद से ही ये स्टॉक संभला है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही इस स्टॉक को लेना चाहिए। भले ही थोड़े स्टॉक ज़रूर लीजिए, लेकिन लीजिए। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और जिस हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया, प्लस एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। आप इजीली देख सकते हैं, इसका 114 का हाई है और 42 का लो, तो एक अच्छा मौका बनता है। अगर आपको नीचे के लेवल पे मिलता है 50 रुपये के करीब तो उस टाइम पे भी लीजिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ शेयर ज़रूर लीजिए ताकि फिर ये जब स्टॉक ग्रो करेगा तो आपको इजीली रिटर्न मिले। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का नज़रिया इस स्टॉक के अंदर रखिए और एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखिए ताकि आपको भी आइडिया आते रहें। इसका अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था मार्च में 60% का, जो कि 60 रुपये के करीब होता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। और छोटी कंपनी है, 1564 करोड़ की कंपनी है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसके अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी ग्रो हो रहे हैं। और इसका दिसंबर क्वार्टर का नतीजा देखेंगे तो 372 करोड़ का टोटल इनकम था और सेप्टेम्बर में 348, लेकिन उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और सितंबर में 31। अब फिर मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे और ग्रो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट्स, तो इस स्टॉक के अंदर भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और इजीली 70-75 का लेवल जल्द से जल्द भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ट्रेंड देखते हुए आप बाय करिए। इसका अगर आप देखेंगे डिविडेंड के लिहाज से तो एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड भी देते आई है, 2019 में डिक्लेयर किया, 2018-17 एवरी ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो 2008 से कंटिन्यूस देते आई है। तो अगर आपको लेना है तो थोड़े स्टॉक ज़रूर लीजिए ताकि शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप लेते हैं और ऊपर का लेवल मिलता है तो आप इजीली सेल भी कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और देखा जाए तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में बड़ी है, तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, दिसंबर में 48.11% की प्रमोटर की होल्डिंग और सितंबर में 47.76, मीन्स थोड़ी होल्डिंग बड़ी है, बाकी FIIs एंड DIIs जनरल पब्लिक की है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।